विश्वास एक ऐसा शब्द है जिस पर यह दुनिया चल रही है। हर दिन हम किसी न किसी पे विश्वास करते हैं। हमारी जिंदगी विश्वास पर ही टिकी है। अगर विश्वास नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। पर हर किसी की लाइफ में कुछ लोग उस विश्वास पर खरे उतरते हैं तो कई लोग विश्वास का गलत फायदा उठाने से भी नहीं चूकते। इसलिए किस पर विश्वास करना चाहिए यह जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं, जिससे आप बात करते करते जान पाएंगे कि सामने वाला ट्रस्ट के लायक है या नहीं। सबसे पहले हमें ऐसे पर्सन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो हमेशा हमारी चापलूसी में लगा है और हर बात पर हाँ में हाँ मिला रहा है। ऐसे लोग किसी लालच के कारण हमारे साथ होते हैं और जो रियल में होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। उसकी बातें हमें कई बार कड़वी भी लग सकती हैं, पर वो हमें सही और गलत में फर्क बताएगा। इसलिए चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला इंसान सिर्फ हमें जो अच्छा लगता है उसी में हाँ जी करेगा, जिससे बाद में हमें कोई परेशानी भी हो सकती है। ये लोग सिर्फ इस्तेमाल करेंगे और मौका मिलते ही निकल जाएंगे जिंदगी से। इसलिए हमें कभी भी इमोशनली इन्वॉल्व होकर निर्णय नहीं लेना चाहिए, लॉजिकल सोचना चाहिए। जैसे अगर आपने कार खरीदनी है तो दो डिफरेंट कंपनी के सेल्समैन आपको टेस्ट ड्राइव देने घर आते हैं और आपको उसके फीचर्स बताते हैं, तो एक सेल्समैन वह है जो आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है और दूसरा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे सीधे बता रहा है कि इस कार में ये फैसिलिटीज हैं। एक बार तो आपका मन होगा उससे कार लेने का जो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, पर क्या ये ठीक है? नहीं, क्योंकि आपको देखना है आपके लिए कौन सी गाड़ी लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट भी है। आपको अपने लिए बेस्ट ऑप्शन देखनी है और वो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपको ज्यादा सूट कर रहा है। जैसे कि वो जो कार बेच रहा है वो आपके बजट के अकॉर्डिंग है, उसके फीचर्स भी ज्यादा हैं और उसका साइज भी ठीक है, जिसको आप घर के अंदर भी पार्क कर सकते हो और ट्रैफिक में भी कंफर्टेबल होकर चला सकते हो, क्योंकि जहाँ आपका ऑफिस है वहाँ के रास्ते में डेली आपको बहुत ही ट्रैफिक मिलता है। इसलिए मीठी मीठी बातें करने वाले पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। कोई बहुत ही जल्दी दोस्ती या शादी के लिए फोर्स करे तो भी अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि दोस्ती का हाथ बढ़ा ही जा रहा है, या कहीं से शादी के लिए रिश्ता आया है और बहुत प्रेशर आ रहा है कि बस जल्दी से जल्दी शादी कर लो। इतनी जल्दबाजी क्यों? क्यों वो कर रहे हैं? यह सोचना चाहिए, कोई और बात तो नहीं है? बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। हमें ऐसे लोगों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए जो हमारे सामने किसी की चुगली करते हों, क्योंकि यह उसकी मेंटेलिटी दिखाता है। क्योंकि हम कौन होते हैं किसी की बुराई करने वाले, किसी को जज करने वाले? क्या पता वो हमारी बुराई भी किसी दूसरे के सामने करता हो। ऐसे लोग कभी ट्रस्टवर्दी हो ही नहीं सकते।
इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जो आपसे कुछ पूछते वक्त या बातें करते वक्त आई कॉन्टेक्ट ना बनाए। अगर कोई सच छिपा रहा है तो जब आप उससे क्वेश्चंस पूछकर आई कॉन्टेक्ट बनाएंगे तो उसके चेहरे का रंग उड़ने लगेगा और वह वहां से उठने की कोशिश करेगा, जबकि सच बोलने वाले के फेस पर एक अलग ही पॉजिटिविटी दिखेगी जिन पर हम विश्वास कर पाएंगे। इसके अलावा जिस इंसान में बुरी आदतें होती हैं, उनसे भी दूरी बनानी चाहिए, उन पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ रहने वाले को भी उसी नजर से ही देखा जाएगा जो सही नहीं होगा, और उस पर भरोसा एक ना एक दिन आपको भी ले डूबेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो में लोगों को जानने में मदद मिली होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग।